हे सागर देव, एक माँ की पुकार सुन लीजिए। सर्वशक्तिमान, अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? महारानी कायाधु राजभवन छोड़कर चली गई हैं। क्या? राजभवन छोड़कर चली गई? कहां चली गई? पुत्र वियोग में व्याकुल होकर वो सागर की ओर गई है, जहां कामरूप नरेश ने राजकुमार को डुबो दिया था। महाराज, महारानी कहीं जल समाधि ना ले ले। ये माता और पुत्र मिलकर मुझे पागल कर देंगे, पागल कर देंगे दोनों मिलकर। जाओ, रोको उन्हें। वो मेरे रोके नहीं रुकेंगी, केवल आप ही उन्हें रोक सकते हैं, और आपको उनको रोकना ही चाहिए, नहीं तो ये संसार क्या कहेगा महाराज। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो और कुछ सैनिक भी ले लो। देवी, ये बालक तो जागने का नाम ही नहीं लेता, कब से सो रहा है, भला कब तक सोता रहेगा ये? बालपन की नींद है स्वामी, सो लेने दीजिए। आयु बढ़ती है, जीवन की चिंताएं और समस्याएं घेर लेती हैं, तब ऐसी नींद बहुत याद आती है। लोग तो तरस जाते हैं ऐसी नींद के लिए। आप सत्य कहती हैं देवी, पर बहुत सो चुका ये, अब इसे जागना होगा। कम से कम जाकर ये तो देखे कि इसके ननिहाल में इसका आदर सत्कार कैसा हुआ। मुझे खेद है पिताश्री। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माते। पिताश्री, मुझे खेद है कि आप अपने नाती का और अधिक आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे। क्यों पुत्री? क्योंकि इसकी माता इसके वियोग में तड़प रही है। पुत्र प्रहलाद को उसके पास लौटने में और अधिक विलम्ब हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देगी। मनमोहक है मेरा पुत्र, इसके मुख से तो मेरी दृष्टि हटती ही नहीं। तुमने इसके सिर पे हाथ क्या फेर दिया पुत्री? इसके माथे पर समस्त सृष्टि का तेज निखर आया है, मानो प्रकाश का मुकुट पहन लिया हो। सुनो पुत्री, तुम स्वयं जाके इस बालक को इसकी माता को सौंप दो। नहीं पिताश्री, पुत्र प्रहलाद को आपकी गोद में फेंका गया था, कयाधु भी इसे आप ही से मांग रही है। दुख से बिलकती इसकी माता को आप अपने हाथों से लौटाएंगे तो उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं रहेगी। आप ही इसे ले जाइए। तुम कहती हो पुत्री, तो मैं ही इस बालक को इसकी माता को सौंप दूंगा। हे सागर देव, लगता है आपने अपनी सारी परंपरा को छोड़कर मेरे पुत्र की बलि स्वीकार कर ली है। मेरे लिए मेरे पुत्र के बिना जीवित रहना व्यर्थ है, आपको मेरी बलि भी स्वीकार करनी होगी। ठहरो पुत्री, तुम सत्य कहती थी, मैं भेंट नहीं स्वीकार करता, और फिर प्रहलाद तो मेरे दोहित्र समान है। लो, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस लौटाता हूँ। धन्य है आप, आप धन्य है सागर देव, आपने मुझे मेरा पुत्र लौटाकर एक ममता की मारी माँ पर बड़ा उपकार किया है। मैं कैसे आपको धन्यवाद दूँ? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री, एक माता को अपना पुत्र वापस लौटाना
उस पर उपकार नहीं होता। यह तो हमारा धर्म है। हां, एक माता से उसका पुत्र छीन लेना अवश्य ये जघन्य अपराध है। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा लाल, मेरा लाल। माते, आप यहाँ कैसे आई और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो कारागार में था ना। हाँ पुत्र, तुम्हारे दुष्ट फूफा दिप्रचिति ने तुम्हें सागर तली फेंक दिया था। परंतु मैं तो बहुत मीठा सपना देख रहा था। मैंने स्वप्न में अपने एक नानाशी को भी देखा। मैं उनके गोद में था। मैंने माता महादेवी लक्ष्मी को भी अपने पास देखा। कितनी अच्छी थी वो। उनके गोद में जाकर मुझे यूं लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। मेरा पुत्र, तुझसे पर्वत की ऊंचाई हार सकती है, अग्नि का ताप हार सकता है, समुद्र की गहराई हार सकती है, किंतु मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा, कदापि नहीं मानूंगा। सैनिकों पकड़ से। रुक जाओ सैनिकों, यदि किसी ने मेरे पुत्र को हाथ भी लगाया तो मैं इसके और अपने प्राण एक कर दूंगी। मैं भी महान असुर तार के महाबली सेनापति चंबासुर के पुत्र कयादु हूँ। मेरे पास भी मायावी शक्तियाँ है। मैंने आज तक इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, पर यदि कोई मेरे पुत्र के निकट भी आया तो आज मैं भी अपनी शक्ति दिखाकर इस शक्ति का प्रयोग करूंगी। देखते क्या हो, पकड़ लो इस धूर्त को। सावधान, आगे मत बढ़िए दैतेंद्र, आगे मत बढ़िए। रानी, हट जाइए मेरे मार्ग से। रुक जाओ दैतेंद्र। नहीं, रुक जाओ। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बहुत देर कर दी। आप होते तो मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ ना होता। गुरुदेव, आपके ना होने से मेरे साथ क्या क्या ना हुआ। मेरा पुत्र मेरा सबसे बड़ा बैरी बन गया, मेरा उत्तराधिकारी मेरा महानतम विरोधी बन गया। गुरुदेव, मैं जानता हूं दैत्येंद्र, मैं सब जानता हूं। तुम चिंता मत करो, अब मैं लौट आया हूं, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम दैत्य गुरु। यशस्वी भव। प्रणाम भ्राताश्री। दुष्ट प्रहलाद का अंत हो गया भ्राताश्री, साथ ही आपकी चिंताओं और समस्याओं का भी अंत हो गया। ना तो दुष्ट प्रहलाद का अंत हुआ, ना ही मेरी चिंताओं और समस्याओं का। वो पापी फिर बच निकला विप्रचित्ति, फिर बच निकला। तुमने जिस सागर में उसे फेंका था उसमें मेरी उमंगें डूब गई, मेरी इच्छाएं डूब गई, मेरी सारी योजनाएं डूब गई।
बस नहीं डूबा तो वो दुष्ट प्रहलाद उतर गया और एक बार फिर मैं मुंह ताकता रह गया। मैं भगवान हिरण्यकश्यपु। धैर्य से काम लो दैतेंद्र, इतना हताश होने की क्या आवश्यकता है? कैसे हताश ना हूं मैं गुरुदेव, कैसे हताश ना हूं? मैंने उस पर खड़क की बौछार करवाई, उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फिकवाया, मैंने उसे विष दिलवाया, उसे अग्नि में जलवाया, और अब जब विप्रचित्त ने उसे मारना चाहा, परंतु वो दुष्ट ऐसे कठोर प्राण लेकर जन्मा है कि मरने का नाम ही नहीं लेता। मैं कहां तक धैर्य रखूं गुरुदेव, कहां तक धैर्य रखूं? यह सब इसलिए हुआ था कि मैं यहां नहीं था। संभवतः मैंने तप पर जाकर भूल की थी, परंतु अब मैं लौट आया हूं। अब प्रहलाद को मेरे हाथों में सौंप दो, मैं उसे संभाल लूंगा। मैं तो समझा था तुम दोनों मेरे योग्य शिष्य सिद्ध होगे, मेरी अनुपस्थिति में गुरुकुल को संभाल लोगे, परंतु तुम दोनों सर्वथा अयोग्य निकले, सब अनर्थ हो गया। हम क्या करते पिताश्री? राजकुमार प्रहलाद। प्रश्न प्रहलाद का नहीं है, प्रश्न है गुरुकुल के शेष विद्यार्थियों का। प्रहलाद तो राजकुमार है, परंतु तुम तो साधारण शिष्यों को भी नियंत्रण में नहीं रख सके। राजकुमार प्रहलाद ने विद्रोह की ऐसी ज्वाला फैलाई कि हम विवश हो गए। धिक्कार है तुम पर। मैंने तुम्हें कृत्या क्रिया किस दिन के लिए सिखाई थी? तुम्हें कृत्या का प्रयोग करना चाहिए था। कृत्या अगर प्रकट हो गई तो राजकुमार को मार डालेगी पिताश्री। और यदि प्रहलाद जीवित रह गया तो समस्त असुर लोक मारा जाएगा। जाओ प्रहलाद को गुरुकुल में आने का संदेश दो। किंतु गुरुदेव, इतना सब घट जाने के उपरांत क्या महारानी कयाधु अपने पुत्र को हमारे साथ आने भी देंगी? मैं महारानी कयाधु को अच्छी तरह से जानता हूं। वो पुत्र की शिक्षा के नाम पर कोई भी बलिदान कर सकती है। जाओ उनसे कहो कि मैंने प्रहलाद को गुरुकुल में शिक्षा के लिए बुलाया है। जो आज्ञा गुरुदेव। हे कमलनयन, ये कृत्या क्रिया क्या है? कृत्या? कृत्या एक तांत्रिक क्रिया है महादेवी, दुष्क्रिया कहिए। क्या होता है इस क्रिया में? इस क्रिया में तंत्र विद्या की सहायता से एक राक्षसी को जन्म दिया जाता है, और वो राक्षसी उस व्यक्ति को मार देती है जिसे मारने के लिए उसे जन्म दिया गया हो। हाय मेरा पुत्र। हे कमलनयन, कोई सीमा भी है इन दुष्टों के अत्याचार की? हर जतन तो करके देख लिया इन दुष्टों ने मेरे पुत्र को मारने का, इनके मन को शांति नहीं मिली। महादेवी, जिस प्रकार नरक में चाहे जितने पापी डाल दीजिए पर नरक का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार दुष्ट जन चाहे जितने दुष्कर्म कर लें, उनका भी मन नहीं भरता। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या इस कृत्या क्रिया का कोई तोड़ नहीं है? है महादेवी, अवश्य है। कृत्या क्रिया का तोड़ स्वयं उसी क्रिया में निहित है। अर्थात? महादेवी, इस क्रिया द्वारा जिस राक्षसी को जन्म दिया जाता है, यदि वो राक्षसी अपने लक्ष्य को मारने में असफल हो जाए तो उन्हीं लोगों की हत्या कर देती है जिन्होंने उसे जन्म दिया था। मेरी कामना है कि ऐसा ही हो। महादेवी, यदि आपकी कामना विधाता के लेख से मेल खाती हो तो वो अवश्य पूरी होगी। भ्राता मर्क, पिताश्री तो बहुत रुष्ट हैं। यह सब राजकुमार प्रहलाद का किया धरा है भ्राता शण, उन्हीं के कारण हमें यह फटकार सुननी पड़ रही है। और पिताश्री का क्रोध तो तुम जानते ही हो, एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम ही नहीं लेता है। मेरे मन को पिताश्री का क्रोध शांत करने का एक उपाय सूझा है। क्या? देखो भ्रातामर, यदि हम राजकुमार प्रहलाद को गुरुकुल लाने से पहले
मार्ग में हाथी के पैरों तले कुचलवा डालें, तो पिताश्री को बहुत प्रसन्नता होगी और उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा। वैसे मैंने इसका प्रबंध भी कर लिया है। तुम भी विचित्र बात करते हो भ्राताशन। अरे पहले महारानी कयाधु को, उसे हमारे साथ गुरुकुल ले जाने की अनुमति तो दे लेने दो, अकारण अंधकार में बाण फेंके जा रहे हो। चलो अब। महारानी की जय हो। असुरों के गुरुकुल से गुरुजन शंड और अमरक आपसे मिलने आए हैं। शंड और अमरक? अब वे यहाँ किस लिए आए हैं? वे कहते हैं कि उनका आपसे मिलना आवश्यक है। ठीक है, बुलाओ उन्हें। प्रणाम महारानी। राजमाता की जय हो। प्रणाम गुरुजन। कहिए, कैसे कष्ट किया? आप तो जानती हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी तपस्या से लौट आए हैं। हाँ, मैं मिल चुकी हूँ उनसे। पिताश्री की इच्छा है कि राजकुमार प्रह्लाद की शिक्षा अधूरी न रहे। किस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? उस शिक्षा की जिस शिक्षा में मेरे पुत्र को कोई रुचि ही नहीं है? आपको तो अनुभव हो चुका है गुरुजन। तब बात और थी महारानी, राजकुमार प्रह्लाद की शिक्षा का भार हमें सौंपा गया था और आपको तो ज्ञात है कि हम दोनों को उतना अनुभव नहीं था, परंतु अब पिताश्री शुक्राचार्य स्वयं लौट आए हैं। तो क्या हुआ? क्या अंतर आएगा उनके आने से? पिताश्री की शिक्षा देने का ढंग बहुत अनुपम है महारानी। वे स्वयं शिक्षा देंगे तो संभव है राजकुमार प्रह्लाद कुछ संभल जाए और भगवान हिरण्यकश्यप का क्रोध भी कुछ कम हो जाए। राजकुमार की शिक्षा अधूरी रह गई और अधूरी शिक्षा अच्छी नहीं होती महारानी। मेरा मन तो नहीं करता, परंतु लगता है आप दोनों ने मेरी दुर्बलता पहचान ली है। मैं अपने पुत्र को पूर्णतया शिक्षित देखना चाहती हूँ। तो फिर देर काहे की, बुलाइए उन्हें। हम पिताश्री के आदेश पर उन्हें अपने साथ गुरुकुल ले जाने आए हैं। पर मेरे पुत्र की सुरक्षा का क्या होगा? वो पिताश्री की रक्षा में रहेंगे और फिर हम भी तो हैं। आप तो जानती हैं कि वे जब तक हमारे साथ गुरुकुल में थे हमने उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दिया। पुत्र प्रह्लाद। प्रणाम गुरुजन। आयुष्मान भव शिष्य। तेजस्वी भव शिष्य। पुत्र प्रह्लाद, तुम्हारे गुरुजन तुम्हें अपने साथ गुरुकुल ले जाने आए हैं। उन्हें गुरु शुक्राचार्य ने भेजा है। ये तो बहुत शुभ समाचार है। मुझे बहुत दुख था कि मेरी शिक्षा अधूरी रह गई। तो तुम जाओगे उनके साथ? हाँ, अवश्य जाऊंगा। पुत्र, तुम्हें भय नहीं लगता? भय? किस बात से भय माते? शिक्षा से भय या गुरुकुल जाने से भय? जो शिक्षा और गुरुकुल से डरते वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। परंतु पुत्र, तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे अब तक कुछ हुआ माते? आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आयुष्मान भव पुत्र। चलिए गुरुजन, मैं गुरुकुल जाने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। तुम्हारा आशीर्वाद है मेरे साथ। विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ पुत्र।
प्रणाम गुरुवर। क्या समाचार लाए हो सेनापति? शुभ समाचार है दैत्य गुरु, महारानी कयाधु ने राजकुमार प्रहलाद को गुरुकुल जाने की अनुमति दे दी है। राजकुमार गुरुजन शंड और अमर के साथ गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। शुभ समाचार, अत्यंत शुभ समाचार। मुझे भय था हिरण्यकश्यपु, कहीं महारानी कयाधु ममता की भावना के अधीन होकर प्रहलाद की राह ना रोक ले। पर दैत्येंद्र, यह तो आपके लिए अत्यंत शुभ समाचार है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, या तो मैं प्रहलाद को सीधी राह पर ले आऊंगा या सदा सदा के लिए आपकी राह से हटा दूंगा। मुझे शीघ्र से शीघ्र गुरुकुल पहुंचना चाहिए। मुझे विश्वास है जहां सब असफल हो गए हैं वहां आप और केवल आप ही सफल हो सकते हैं गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं उस दुष्ट प्रहलाद के मृत्यु का समाचार आपके मुख से सुनूंगा। मेरे गुरुकुल में जाने की देर है, समाचार आने में देर नहीं लगेगी। गुरुजन, आपने माताश्री को मनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं अपने गुरुकुल के मित्रों से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल था। वे भी तुम्हें देख के बहुत प्रसन्न होंगे। क्या उन्हें ज्ञात है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ? नहीं नहीं, हमने यह निर्णय लिया था कि अचानक तुम्हें उनके समक्ष ले जाकर उन्हें अचंभे में डाल देंगे। अरे, ये आवाज कैसी? हाँ शिष्य प्रहलाद, तुम यही ठहरो, हम देख के आते हैं कि ये हाथी कहाँ से आ रहा है। आप रहता मत, हाँ यही ठहरना। देखा आपने कमलनयन, मेरा पुत्र कितना निडर है, हाथियों से भी नहीं डरा, उनके समक्ष डटा रहा, वे ही सिर झुकाकर चले गए। महादेवी, आपके पुत्र का ईश्वर पर इतना अडिग विश्वास है कि उसने मृत्यु से भयभीत होना छोड़ दिया है। वो जानता है कि उसका जीवन और उसकी मृत्यु दोनों ही ईश्वर के हाथों में है, उन हाथियों के भारी भारी पैरों तले नहीं।
आपने सत्य कहा कमल नयन, मृत्यु से क्या भयभीत होना, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी। किंतु मृत्यु के भय से जीवन का सुख चैन खोना मूर्खता है, और ये भेद मेरे पुत्र ने जान लिया है। यूं भी उसने इतनी यातनाएं झेली हैं कि अब उसके लिए मृत्यु अर्थहीन हो गई है, इसीलिए तो उसने मृत्यु से भयभीत होना छोड़ दिया है। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है। महादेवी, इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं महादेवी, जैसे ये शंड और अमर्क। मुझे तो इनकी कायरता पर हंसी आ रही है। गुरुशान, गुरु अमर्क, कहाँ हैं आप? कहाँ चले गए थे आप दोनों? हम कहीं नहीं, हम तो यहीं थे। हाँ, क्या आप हाथी से भयभीत हो गए थे? नहीं नहीं, हम क्यों भयभीत होंगे, क्यों प्रताशन? हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम तो नित्य हाथियों के साथ में खेलते हैं, है ना? हाँ, परंतु गुरुजन, लगता है ये हाथी हमारे संग खेलने नहीं, कुछ और करने आया था। कुछ और? चलिए गुरुजन, गुरुकुल में हमारी प्रतीक्षा हो रही होगी। हाँ चलो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। तुम दोनों बाहर जाओ पुत्र, मुझे शिष्य प्रहलाद से एकांत में बात करनी है। शिष्य प्रहलाद, प्रसन्नता हुई तुम्हें देखकर, कहो कैसे हो? गुरुदेव की कृपा से सकुशल हूं, अब गुरुदेव के दर्शन से धन्य हो रहा हूं। जानते हो प्रहलाद, मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? मेरी अधूरी शिक्षा संपूर्ण करने के लिए, और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आपसे शिक्षा मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो, परंतु उससे पूर्व मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? आपके प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता तो नहीं है मुझमें, किंतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा। शिष्य, तुम जानते हो कि दीपक का धर्म क्या है? प्रकाश फैलाना गुरुदेव, अंधकार से संघर्ष करना। संतान को भी कुल दीपक कहा जाता है, जानते हो? जानता हूं गुरुदेव। जानते हो तो फिर अपने कुल के लिए ऐसा दीपक क्यों बने हुए हो जो प्रकाश के स्थान पर अंधकार फैला रहा है, उनके कष्ट का कारण बना हुआ है। हे गुरुदेव, मैंने किसको कष्ट दिया? किसको कष्ट नहीं दिया, अपने गुरुजन को कष्ट दिया, अपने पिता को कष्ट दिया, अपनी माता को कष्ट दिया, और उससे बढ़कर अपने आप को कष्ट दिया। तुम्हें कटारों की तेज धार पर रख लिया गया, पर्वत से गिराया गया, विष पिलाया गया, नागों के बीच छोड़ दिया गया, अग्नि में जलाया गया, सागर में डुबोया गया। परंतु ये सब मेरे लिए कष्ट नहीं सिद्ध हुए, ये सब तो मेरी परीक्षाएं सिद्ध हुई, और आपकी कृपा से मैं इन परीक्षाओं में सफल हुआ। संभव है, किंतु तुम अपने माता पिता और समस्त असुर लोक के कष्ट का कारण तो बने हुए हो, उसका क्या उत्तर है तुम्हारे पास? हे गुरुदेव, यदि उनके कष्ट का कारण मैं होता तो विश्वास कीजिए, मैं अपने हाथों अपने जीवन का अंत कर लेता। परंतु ये सत्य आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि उनके कष्ट का कारण मैं नहीं हूँ। तो कौन है उनके कष्ट का कारण? मेरे प्रश्न का उत्तर दो प्रहलाद।
मैं नतमस्तक होकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ गुरुदेव, परंतु आपने मुझे उत्तर देने का आदेश दे ही दिया है तो मेरा उत्तर भी सुन लीजिए। उनके कष्ट का कारण आप हैं। मैं? हाँ, हे गुरुदेव, आप मुझे क्षमा कीजिए, किंतु आपने अपना गुरुधर्म बुलाकर सबको कष्ट में डाल दिया। क्या बक रहा है धूर्त? मैंने अपना गुरुधर्म बुला दिया है? कैसे? हे गुरुदेव, आपने अपने अहंकार के वश देवताओं और आसुरों के बीच मतभेद की दीवार खड़ी कर दी। प्रहलाद! सत्य कड़वा होता है गुरुदेव, परंतु क्या ये सत्य नहीं कि आपने अपने पद की रक्षा के लिए आसुरों को देवताओं से लड़ा दिया? आपको हर पल अपने अपमान का ध्यान रहा, हमारे कल्याण का नहीं। आप स्वयं व्रत करते हैं पर आसुरों को व्रत करने से रोकते हैं। आप स्वयं तप करते हैं पर आसुरों से कहते हैं कि वे दूसरों का तप भंग कर दे। आपने शिक्षा को विभाजित कर दिया है, अपने पुत्रों और राजकुमारों के लिए शिक्षा के कुछ और नियम बनाए और साधारण आसुर बालकों के लिए कुछ और। हे गुरुदेव, गुरु वो होता है जिसके चरण छूते ही मन में ज्ञान का उजाला फैल जाता है, परंतु आप कैसे गुरु है जो आपके चरण छूता है उसके मन में अहंकार का अंधकार डेरा जमा लेता है। बंद कर ये विषैला प्रलाप। नहीं गुरुदेव, आज सुन लीजिए, कह लेने दीजिए मुझे अपने मन की बात। मेरे पिताश्री ने ईश्वर होने की घोषणा कर दी, अब चाहते तो उन्हें रोक भी सकते थे, उन्हें अंधेरों में भटकने से बचा सकते थे, परंतु आपने उन्हें और उकसाया, उन्हें और बढ़ावा दिया और अब वे इतने दूर जा चुके हैं कि उनका लौटना संभव नहीं। दुष्ट बालक, मेरे मन में तो आता है कि मैं इसी क्षण तेरा गला दबाकर तुझे मार डालूं। तो दबा दीजिए गुरुदेव, आपके हाथों मुझे मृत्यु प्राप्त हुई तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। अवश्य प्राप्त होगी दुष्ट, अवश्य प्राप्त होगी। मैं तेरे सिर पर काल की छाया मंडराते देख रहा हूँ। शिष्य भटक जाए तो गुरु उसका मार्गदर्शन करता है, गुरु भटक जाए तो उसका मार्गदर्शन कौन करेगा? आहा, वाह पुत्र, धन्य हो तुम। हे कमल नयन, सुनिए आपने मेरे पुत्र की बात। एक बालक ने जीवन का सारा दर्शन सामने रख दिया, इसी को कहते हैं गागर में सागर समो देना। महादेवी, सब लोग जीवन को विद्या की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, परंतु आपका पुत्र जीवन को भक्ति के नेत्रों से देखता है, इसलिए जीवन के सारे रहस्य उसे विदित हैं। और महादेवी, प्रह्लाद को जीवन का एक सीधा और सरल सत्य भी ज्ञात है, और वो सत्य ये है महादेवी कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है, और जब समाज भटक जाता है महादेवी तो समस्त राष्ट्र का संकट बन जाता है। परंतु हे कमल नयन, इतनी छोटी सी बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य की समझ में क्यों नहीं आती? इसके कई कारण हैं महादेवी, हट, अहंकार, घायल अहम की पीड़ा, और सबसे बढ़कर बुद्धि और विवेक का अंधा विरोध। उन्होंने अपनी सद्बुद्धि को अपने अहंकार के पास रहन रख दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वयं भी भटक रहे हैं और हिरण्यकश्यपु को भी भटका रहे हैं। Thank you.
नहीं गुरुदेव, जब तक वो दुष्ट प्रहलाद जीवित है, मेरी आंखों में नींद कहां, वो मुझे हर पल व्याकुल करता रहता है गुरुदेव। तो समझ लो तुम्हारी व्याकुलता का अंत हो गया, चैन की नींद सो जाओ देवतेंद्र, अब तुम्हारी निद्रा में कोई विघ्न नहीं डालेगा। मैं समझता था मैं प्रहलाद को समझा लूंगा, उसे सीधी राह पर ले आऊंगा, परंतु यह मेरा भ्रम था। जिसने मृत्यु से मैत्री कर ली हो उसे जीवन का संग नहीं सुहाता। मैं उसका वध करके ही तुम्हारे पास आता, परंतु वो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा कुलदीपक है, तुम्हारे शरीर का अंग है, इसलिए मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैंने उसका वध करने का निर्णय कर लिया है। सुंदर, अति सुंदर गुरुदेव। हां शिष्य, मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि तुम्हारा पुत्र भोर का सूर्य नहीं देख पाएगा। जाओ, चैन की नींद सो जाओ। धन्यवाद गुरुदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे तुम पर गर्व है शिष्य कि तुम मसुल लोक के लिए और अपनी प्रजा का धन बचाने के लिए अपनी संतान को भी त्याग सकते हो। हे कमलनयन, दुष्ट हिरण्यकशिपु की बुद्धि पर तो उसके झूठे अहंकार ने अधिकार जमा लिया है। अपने ईश्वर होने के मद में वो कब का भूल चुका है कि वो प्रहलाद का पिता भी है। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्या हो गया है? वो तो दो पुत्रों शंड और अमरक के पिता भी हैं। वो किसी के पुत्र का वध करने की बात कैसे सोच सकते हैं? उनका पितृत्व क्यों खो गया है? क्रोध के कारण महादेवी, क्रोध के कारण। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो विद्वान है, तो फिर वो ये क्यों भूल गए कि क्रोध विवेक का शत्रु है? उसे भूलने का कारण है उनका मुझसे वैर। वो मेरे विरोधी हैं, इसलिए मेरा विरोध करने की धुन में वो विवेक तो क्या स्वयं को भी भूल गए हैं। मेरा विरोध करने की भावना उनकी विद्वत्ता पर भारी पड़ चुकी है महादेवी, और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। आश्चर्य है, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी नहीं जानते कि सीमा से अधिक विरोध अपने ही दुख का कारण बन जाता है? नहीं जानते महादेवी, दुर्भाग्य से वो इस सत्य को नहीं जानते, पर अति शीघ्र जान जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिस पथ पर पग धरने जा रहे हैं, वहां उन्हें अश्रु और रक्त की धाराओं के